चश्मा हो या फिर सनग्लासेज हो, उसे साफ करने का मैं बहुत बेहतरीन आइडिया बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टूथपेस्ट लिया है, कोलगेट लिया है मैंने, और इसे बहुत अच्छे से इसके चश्मे के ऊपर स्प्रेड कर देना है, मतलब इस तरह से अप्लाई कर देना है। चश्मे को इसी तरीके से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद हम इसे साफ करेंगे। हमने यहाँ पर टिश्यू पेपर लिया है, आप कोई सा भी सूती कपड़ा भी ले सकते हैं, और हमें हल्के हाथों से इसे रब करना है। लगभग 1 मिनट इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से रब कर लेंगे। इसकी हैंडल वगैरह जो भी गंदी हुई रहती है हम अच्छे से रगड़ लेंगे तो सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। अब इसे क्या करना है, हमें प्लेन वाटर से इसे साफ कर लेना है। तो ये देखिए, साफ पानी से मैंने चश्मे को धो लिया है, और धोने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया से क्लीन हो गया है। अब चश्मे को हमें एक सॉफ्ट सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है, और ये हमारा चश्मा चमचमाने लगा है, तो है ना सुपर आइडिया। दूसरी टिप्स हमारे स्विच बोर्ड को लेकर है। आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा गंदा है, हाथ लगते लगते क्या होता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और रोज़ साफ करना भी इसे ठीक नहीं रहता। तो हमें क्या करना है, कोलगेट लेना है और इस तरीके से ब्रश में लगाना है, टूथ ब्रश में। लेकिन ये सब करते समय हमें जो मेन स्विच होती है उसे अलग कर देना है। ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम स्विच बोर्ड साफ करें, मेन स्विच ज़रूर से निकाल देना है, क्योंकि लाइट के साथ हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। तो अब इसे हमें ब्रश की हेल्प से इस तरीके से रगड़ देना है। 5 मिनट तक आप इसे छोड़ देंगे तो और भी बढ़िया से साफ हो जाएगा, लेकिन मैं वीडियो के लिए शूट कर रही हूँ इसलिए मैंने इसे फटाफट से तुरंत ही साफ कर लिया है, और रिजल्ट आपके सामने है, बहुत बढ़िया से क्लीन होता जा रहा है। और अगर आप इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद साफ करेंगे, तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो है ना बहुत कमाल का आइडिया स्विच बोर्ड को साफ करने का। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये स्विच बोर्ड साफ करने का आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। दूसरी टिप्स भी हमारी कोलगेट को लेकर है। इस तरीके से जो कछुआ होता है हम टेबल वगैरह पे रखते हैं और इसमें पानी भरा रहता है, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और साबुन से बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता है। तो इसे भी हम अच्छे से कोलगेट से बहुत बढ़िया से साफ कर लेंगे। टूथपेस्ट को लगाकर 5-10 मिनट के लिए छोड़ना है, उसके बाद इसे स्क्रबर से अच्छे से रब करना है। 1 से 2 मिनट अच्छे से इसे रब करने के बाद साफ पानी से धो लेना है, आप देखेंगे फिर से नए जैसा बिल्कुल चमचमा उठेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप जरूर पसंद आई होगी। दूसरी टिप हमारी कोम्ब को लेकर है, यानी कंघी है, जो गोल वाली कंघी रहती है, इसे साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होता है। नॉर्मल कोम्ब जो होते हैं उन्हें तो हम क्लीन भी कर लेते हैं, लेकिन ये वाला कोम्ब क्लीन करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, बट इन्हें साफ करना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इस तरीके से ये वाली कंघी लेंगे या फिर टूथ ब्रश लेंगे, और सबसे पहले हमें इसमें इस तरीके से जो अंदर इसके हेयर फंसे हैं उसे इस तरीके से निकाल लेना है। इस तरीके से करते जाएंगे तो बहुत ही ईजिली ये सारे हेयर निकल जाएंगे। टूथ ब्रश से भी इस तरीके से हम करेंगे तो सारे हेयर ईजिली निकल जाएंगे, क्योंकि पानी में वॉश करने के पहले हमें ये सारी प्रोसेस कर लेना, नहीं बाद में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है, साथ ही 1 चम्मच शैम्पू ऐड किया है। उसके बाद इसे हमें अच्छे से घोल लेना है, पानी थोड़ा गर्म था इसलिए मैं इसे टूथब्रश से ही घोल ले रही हूँ। अब हमारा जो कोम्ब है इसे इसमें इस तरीके से डिप करना है और 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है, उससे क्या होगा जो सारी गंदगी कोम्ब में जमी है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी। तो 1-2 कंघियाँ मैंने इसी पानी में और डाल दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, टूथब्रश की हेल्प से इसे इस तरीके से रगड़ते हुए साफ कर लेना है। थोड़ी देर इस तरीके से हम रब करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कोम्ब की हैंडल को भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हम इसे साफ पानी से धो लेंगे। तो ये देखिए हमारी कंघी फिर से नई जैसी चमचमाने लगी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप जरूर पसंद आई होगी, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये वाली टिप हमारी हरी धनिया को लेकर के है। जब भी हम मार्केट से हरी धनिया लाते हैं, वो भी इस समय बरसात के सीजन में, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, चाहे कितना भी हम उपाय न कर लें। तो हमें क्या करना है, 1 गिलास में पानी लेना है, और उसमें क्या करेंगे हम, धनिया की जो जड़ है, जड़ समेत उसे पानी में डिप करेंगे। ऐसा करने से एक तो क्या होगा, इसमें जो धूल मिट्टी जड़ में चिपकी है वो साफ होगी, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, और पानी के कारण हमारी धनिया 3 से 4 दिन बिल्कुल फ्रेश रहेगी। आप इसे आजमा कर ज़रूर देखिएगा। और इसे हम अगर किचन में रखते हैं